जी हाँ दोस्तों, दीदी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि जिले में 1,40,425 पेंशन धारक विभिन्न प्रकार की 9 पेंशन ले रहे हैं। इनमें बुढ़ापा पेंशन लेने वाले 86,802 बुजुर्ग हैं। इनमें से कुछ की पेंशन परिवार पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेज लिंक नहीं थे, जिसके लिए डीसी कार्यालय ने उन बुजुर्गों का डाटा वेरिफिकेशन करने के लिए सक्षम को जिम्मेदारी सौंपी है। वेरिफिकेशन के दौरान जिन घरों में सक्षम युवाओं को बुजुर्ग नहीं मिले तो उन्हें वेरिफिकेशन बुक में अनुसीन लिखना था उन्होंने, लेकिन सक्षम युवाओं ने अनुसीन के स्थान पर डिप्टी लिख दिया है, जिससे विभाग ने ऐसे बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। अब वह बुजुर्ग विभाग में आकर अपनी जीवित होने का प्रमाण देने का और पेंशन बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। सब तहसील इस्लामाबाद गांव का मीरा जी निवासी पेंशन कौर ने बताया है, क्योंकि करीब जनवरी माह से भी पेंशन आई थी, इसके बाद उसे पेंशन नहीं मिली है। विभाग ने उसे मृतक घोषित कर दिया, जिस उसकी पेंशन रोक दी है। अब वे शुरू करवाने के लिए कार्यालय में आकर पत्र दिया है। जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में 120 से अधिक बुजुर्गों ने प्रार्थना पत्र देकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया है, जिन्हें उच्च अधिकारी जल्द ही दोनों बुजुर्गों की पेंशन शुरू होने जा रही है।